नाउ एग्जांपल थ्री जो ये y डबल डैश प्लस a स्क्वायर y बराबर k साइन at, राइट। तो यानु यहाँ आपने y ऑफ जीरो एंड y डैश जीरो नहीं आता है। सी देन व्हाट वी हैव टू डू फर्स्ट, लेट y ऑफ जीरो बराबर a, राइट, एंड y डैश जीरो बराबर b लेना, राइट। यू कैन एज्यूम दैट a एंड b प्रोडक्ट, ओके। नाउ y डबल डैश इज देन a स्क्वायर y बार, राइट, माइनस एस वाई ऑफ जीरो माइनस वाई डैश जीरो स्क्वायर वाई बार, राइट, के कांस्टेंट साइन 80 टू द से ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर और लाप्लास, राइट, साइन 80, ओके। नाउ सेकंड स्टेप एस स्क्वायर वाई बार इज इट इज वाई ऑफ जीरो दैट मींस ए ए एस माइनस वाई डैश जीरो એટલે बी એટલે बी, राइट, प्लस एस स्क्वायर वाई बार बराबर के ए एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, राइट, ओके। नाउ वाई बार कॉमन दैट मींस एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड हियर के ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब बना सेट ले लिए ने ए एस प्लस बी, राइट। नेक्स्ट स्टेप जो है ओके, नेक्स्ट स्टेप आवशे नु y बार बराबर k a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर नो होल स्क्वायर, राइट, प्लस a s अपॉन a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, राइट, प्लस b 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, राइट। बदा इंडिविजुअल ऑफ दिस आपने बिकॉज़ ऑफ आपने इजीली इन्वर्स कर सके, ओके। Now, अनु इनवर्स तो जैसे y of t, that means k l इनवर्स, बदल l इनवर्स लागू पड़ से, right? What is the l इनवर्स of all these terms? Then k k एक कांस्टेंट आ गया जैसे 1 upon a square plus a square, नो स्क्वायर नो सुन जाए 1 upon 2 a cube, so आपसे sin at minus at cos at, right? अनु फॉर्मूला आई थिंक एल इक्वल्स पर 13 नंबर का फार्मूला है, राइट, एस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नो स्क्वायर, आनो तो फार्मूला है, सो थे आपवानी अनु cos 80 प्लस बी 1 अपॉन ए sin 80, राइट, दिस इज योर फाइनल आंसर। तब आई यहां ए कैंसिल कर सको, राइट, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल जो है आपने एग्जांपल 4, एग्जाम्पल फोर जो आप डी रेस टू फोर वाई अपॉन डी टी रेस टू फोर माइनस के रेस टू फोर वाई बराबर जीरो, हियर वाई ऑफ जीरो इक्वल टू वाई डेस जीरो इक्वल टू वाई डबल डेस जीरो, राइट, व्हाट ऑफ गोज टू जीरो एंड वाई ट्रिपल डेस जीरो बराबर वन, बराबर क्या अपने आ रही ग्राफ पे मुझे d रेस टू 4 y और d t रेस टू 4 माइनस k रेस टू 4 y इक्वल टू 0, तो आनु जो अपने सॉल्यूशन तो आनु के लिए क्या दसे s रेस टू 4 y बार माइनस s क्यूब y ऑफ 0 माइनस s स्क्वायर y डे 0 माइनस s y डबल डे 0 माइनस y ट्रिपल डे 0, राइट, s रेस टू 4 s क्यूब s स्क्वायर s एंड s रेस टू 0, राइट, सेम वे y of 0 y डे 0 y डबल डे 0 एंड y ट्रिपल डे 0 अनु थियो, राइट, k रेस टू 4 y बार बराबर 0, राइट, ऑल टुगेदर इन वन कंडीशन। सेकंड स्टेप, राइट, सेकंड स्टेप जो बड़ी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए यहां सो आवे a स्क्वायर y बार दिस टर्म एंड दिस टर्म गोस टू 0, राइट, एंड सो आवे आपके पास माइनस 1 माइनस के रेस टू फोर वाई बार बराबर जीरो। सेकंड स्टेप जो है आपने आई बार कॉमन लेस तो सो आउट से ए स्क्वायर माइनस के रेस टू फोर ने वन कैंसिल सामने साइड, दैट मींस वाई बार बराबर आपने सो आउट वन अपॉन एस रेस टू फोर जे, ओके, ए स्क्वायर माइनस के रेस टू एस ए स्क्वायर एस रेस टू फोर जे, राइट, एस रेस टू फोर, ओके, एस रेस टू फोर माइनस के रेस टू फोर,
y y bar. Now next step do ye. तो आपने कुछ करवाना मुझे इन्वर्स. That means y of t a इन्वर्स होता है 1 upon a square minus k square and a square plus k square. हमें भी रीजन भी रहा s raised to 4 minus k raised to 4 ना, right? Okay. Now आने वो सिंपलीफिकेशन आपने तो because of आप बने ना पावर सेंड थे इलाव आप बने आले जल्दी से बोलो a square minus k square minus a square plus k square. That means a square plus k square minus a square plus k square, right? That means so much of the remaining should have 2k square. तो आपने सो करी दिस में divide it because of k square that is a constant. तो इन्होंने सो तो सॉल्व कर लगे उधर में a square plus k square नहीं आ जाते minus a square plus k square. So without remaining 2k square, आपने division कर सो तो सो आ जाते automatically आ जाते राइट आपने सो भी मैंने पार्शियली अलग कर लिया ओके इंडिविजुअल आपने ये इन्वर्स आप सो तो सो आ जाते 2k square અને આનો ઇન્વર્સ શું થશે માઈનસ k એટલે કઈ કન્ડિશન આવશે a t વાળી હાયપરબોલિક ઓકે તો શું આવશે 1 upon k sin h k t માઈનસ 1 upon k sin k t રાઈટ બીકોઝ ઓફ અહીંયા પ્લસ છે એટલે સિમ્પલ આવશે સાઈન અહીંયા માઈનસ છે એટલે હાયપરબોલિક આવશે રાઈટ ધીસ ઇઝ યોર ફાઇનલ આન્સર તમે k કોમન લઈ શકો છો રાઈટ ધેટ મીન્સ k ક્યુબ થશે right next example